हेलो दोस्तों, मैं हूं नेहा सिंह बुलबुल बॉलीवुड के साथ और लेकर आई हूं आखिरकार वाइल्ड कार्ड। जो लोग घर के अंदर जाने वाले हैं उन्हें कहां रखा जाएगा, कैसे रखा जाएगा, क्या वो घर का पार्ट होंगे नहीं होंगे, किस तरह वो कंफर्म सदस्य में जाएंगे और किस तरह से क्या चीजें होने वाली। चलिए सारी चीजों का खुलासा इस वीडियो में आपको पता चलेगा एक्सक्लूसिव, जहां हम सब जानते हैं कि घर के अंदर बहुत जल्द वाइल्ड कार्ड जो जितने भी कंटेस्टेंट है, जो 4-5 कंटेस्टेंट घर के अंदर जाने वाले हैं, वो आखिरकार कहां जाएंगे, कहां रहेंगे और उन्हें किस तरह से ये डिसाइड किया जाएगा कि वो घर के कंफर्म कंटेस्टेंट बने हैं। तो चलिए आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो जो वाइल्ड कार्ड लोग घर के अंदर जाने वाले हैं एक दो दिनों में, वो फिलहाल वो जो रहेंगे वो रेड जोन में रहने वाले हैं। जी हाँ, वो साथ देंगे यहाँ पर पवित्रा और एजाज का, उनके साथ ही उनके बैड लगे होंगे। अगर आपने नोटिस किया होगा, बैड्स बहुत ज्यादा थे, लोग सिर्फ वहां पर दो थे। ये बोला जा रहा था कि ग्रीन जोन वाले रेड जोन में जाते रहेंगे, रेड जोन वाले ग्रीन जोन में जाते रहेंगे, तो बिल्कुल इसी तरह का ही लग रहा था। बल्कि जो वहां पे बैड हैं वो पहले से ही आने वाले वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के लिए फिक्स कर चुके होंगे। अब ये जो घर का कैप्टन होगा या आपसी सहमति से जो घर वाले, क्योंकि इस वक्त फिलहाल कैप्टन नहीं है, तो जो लोग भी मेजोरिटी में वोट करेंगे कि भैया ये इंसान घर के अंदर आ सकता है, इसका गेम बहुत अच्छा है, या टास्क के जरिए वो घर के अंदर आ सकता है, तो शायद से ये ग्रीन और रेड जोन का नया गेम शुरू होगा। अब रेड जोन वाले लोग को ये करना होगा कि हम किस तरह ग्रीन जोन में चले जाए, और ग्रीन जोन वाले लोग को ये करना होगा कि हम ग्रीन जोन में ही बने रहे। इस तरह से ये गेम होने वाला है। जितने भी रेड वाइल्ड कार्ड में आने वाले हैं वो सारे रेड जोन में ही होंगे। उन्हें अपने आप को इस गेम में साबित करना होगा कि भैया हम कन्फर्म सदस्य बनेंगे, चाहे वो टास्क के थ्रू हो, चाहे वो कैप्टन के ऊपर हो। और जितने भी कंटेस्टेंट घर के अंदर आएंगे उनको हर वक्त अपने आप को घर में प्रूफ करते रहना होगा, क्योंकि उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड होगा, मैं ये बात मान सकती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी 14 दिन से ज़्यादा दिन हो चुके हैं। मतलब एक तरह से पूरे 3 हफ्ते गुजर चुके हैं। अब 3 हफ्ते बाद अगर वो घर के अंदर आ रहे हैं, मैं हमेशा कहती हूँ कि उन्होंने ऑलरेडी अपना एक बेंचमार्क सेट कर लिया है। लोगों के जहन में वो जो भले गेम कुछ भी खेल रहे हैं, बिग बॉस समझ के ही बाहर है कि क्या चल रहा है, पर जितने भी लोग हैं एटलीस्ट उनका नाम उन्हें याद हो गया, ये पता है कि ये ऐसा गेम खेल रहा है, वो ऐसा गेम खेल रहा है। शायद लोगों के कुछ उनके बेस्ट एक्टर्स और फेवरेट एक्टर्स भी हो गए होंगे, हाँ यार चल मैं इनको देखने के लिए टीवी ऑन करूँ। तो जो नए लोग आ रहे हैं वो एक तरह से 20-21 दिन बाद आ रहे हैं, तो उनके लिए खुद को अपने आप को सेट करना एक अलग चीज़ होगा, या मैं कह सकती हूँ उनके लिए एक फ़ायदा भी हो सकता है, क्योंकि गेम वो पूरी तरह समझ के आ रहे हैं। उन्हें पता है कि ये बंदा ऐसा खेलने वाला है, ये बंदी ऐसे खेलने वाली है, मुझे इसको ऐसे डील करना है, या इस बंदी को तो डील करने की ज़रूरत नहीं है। तो जहाँ पे उनका एक माइंड ऐसा सेट होगा, वहीं घर वाले लोग के लिए थोड़ी मुश्किल होगा कि नए लोगों को ये समझाना कि वो उनके ग्रुप में आए, क्योंकि ऑलरेडी ग्रुप डिवाइडेड है। घर के अंदर भले ही 3 और 4 की ग्रुप है, पर ग्रुप ऑलरेडी डिवाइडेड हो चुके हैं। अब वो ग्रुप भी कितनी पक्की कितनी कच्ची है ये तो आने वाले वक्त में क्लियर हो ही जाएगा, पर ये बात पक्की है कि जितने भी वाइल्ड कार्ड आने वाले हैं वो रेड जोन में रहेंगे और उन्हें अपने आप को प्रूफ करके ग्रीन जोन में आना पड़ेगा। अब ये किस तरह से होगा, कौन लोग आने वाले हैं, कितने लोग आने वाले हैं, तो आने वाले वक्त में क्लियर हो ही जाएगा। पर ये था मेरा वाइल्ड कार्ड एंट्री को लेकर एक्सक्लूसिव अपडेट। आपको कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। अब बाकी खबरों के लिए बने रहिए बुलबुल बॉलीवुड के साथ।